पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हाँ एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सके, सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ से और ना ही आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है एंड यह देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी होगी और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु ज़ुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफ़ी सारी लैंग्वेजेज़ में पहले भी देखने को मिली थी मीन्स हिंदी कन्नड़ा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेज़ में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम कन्नडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हां द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहां पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकंड पार्ट को भी रिलीज करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को माथू आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इंजॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये यह सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्ट शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ राय रविशंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमेटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हां एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सके, सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फ़ासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ़ से और ना ही आई रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी होगी और ये हमें कहां पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु जुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफी सारी लैंग्वेजेस में पहले भी देखने को मिली थी मीनस हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम मल्या, कन्नडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हाँ द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहाँ पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकंड पार्ट को भी रिलीज़ करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को परिमाथु आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये यह सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ राय रविशंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मेरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हां एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ, जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सके, सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फ़हद फ़ासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ से और ना ही आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है एंड

होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी और ये हमें कहां पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु जुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफी सारी लैंग्वेजेस में पहले भी देखने को मिली थी मीन हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेज में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम मल्या, कन्नडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हाँ द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहाँ पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकेंड पार्ट को भी रिलीज़ करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना परी माथू आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्ट की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ रवि शंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमेटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नजर आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हां एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सकें सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट तो अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ से और ना ही आई रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है यह देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए कि उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी होगी और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु ज़ुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफ़ी सारी लैंग्वेजेज़ में पहले भी देखने को मिली थी मीन्स हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम कनाडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हां द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहां पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकंड पार्ट को भी रिलीज करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को परी माथू आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्ट क्शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ राय रविशंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हाँ एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सकें सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फ़ासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ से और ना ही आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है एंड ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हां भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेन कितनी होगी क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए कि उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी होगी और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु ज़ुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफ़ी सारी लैंग्वेज़ में पहले भी देखने को मिली थी मीन्स हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम कनडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हां द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहां पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकंड पार्ट को भी रिलीज करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को परि माथू आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ रवि शंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हाँ एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सके, सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ से और ना ही आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम तो डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी होगी तो हो अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफी सारी लैंग्वेजेज में पहले भी देखने को मिली थी मीन हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम कन्नडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हाँ द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहाँ पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकेंड पार्ट को भी रिलीज़ करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को परिमाथु आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इंजॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्ट की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ राय रविशंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमेटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हां एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सके, सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है यानी नहीं और आई एम डी भी रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ़ से और ना ही आई रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट कर कर रहे हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात कर लें कि इस की यहां पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी होगी और ये हमें कहां पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु जुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफी सारी लैंग्वेजेस में पहले भी देखने को मिली थी मीनस हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम मल्या, कन्नडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हाँ द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहाँ पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकंड पार्ट को भी रिलीज़ करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को परि माथू आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ राय रविशंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मेरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हां एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ, जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सके, सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फ़हद फ़ासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ से और ना ही आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है एंड

ड्यूरेशन होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात कर लें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी होगी और ये हमें कहां पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु जुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफी सारी लैंग्वेजेज में पहले भी देखने को मिली थी मीन हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम मल्या, कन्नडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हाँ द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहाँ पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकेंड पार्ट को भी रिलीज़ करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को माथू आई एम द डैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्ट शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ राय रविशंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमेटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हां एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सकें सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फ़ासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ से और ना ही आई रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए कि उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी होगी और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु जुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफ़ी सारी लैंग्वेजेज में पहले भी देखने को मिली थी मीन्स हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम कनाडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हां द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहां पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकंड पार्ट को भी रिलीज करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक like पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को परि माथू आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ रवि शंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मेरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हाँ एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सके, सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फ़हद फ़ासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ से और ना ही आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेसन तो डेफिनेटली होनी चाहिए कि उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी होगी और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु ज़ुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफ़ी सारी लैंग्वेज़ में पहले भी देखने को मिली थी मीन्स हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलेगी ना सिर्फ़ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम कनाडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हां द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहां पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकंड पार्ट को भी रिलीज करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक like पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को परिमाथु आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये यह सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ रवि शंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हाँ एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सके, सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फ़ासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ से और ना ही आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट कर कर रहे हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम तो होनी चाहिए तेलुगु हो तो जुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफी सारी लैंग्वेजेस में पहले भी देखने को मिली थी मीन हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम मल्या, कन्नडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हाँ द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहाँ पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकंड पार्ट को भी रिलीज़ करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को परि माथू आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्ट क्शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ राय रविशंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमेटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ और बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हाँ एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सके, सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ़ से और ना ही आई रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट कर कर रहे हैं बाकी उसी के साथ हम आगे एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात कर लें कि इस की यहां पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी होगी और ये हमें कहां पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु जुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफी सारी लैंग्वेजेस में पहले भी देखने को मिली थी मीन हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम मल्या, कन्नडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हाँ द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहाँ पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकेंड पार्ट को भी रिलीज़ करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को परी माथू आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ रवि शंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें सिनेमाटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हां एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सके, सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ से और ना ही आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है एंड ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी और ये हमें कहां पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु जुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफी सारी लैंग्वेजेस में पहले भी देखने को मिली थी मीन हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम मल्या, कन्नडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हाँ द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहाँ पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकेंड पार्ट को भी रिलीज़ करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को परी माथू आई एम द डैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्ट की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ राय रविशंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमेटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हां एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सकें सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फ़ासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ़ से और ना ही आई रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए कि उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी होगी और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु ज़ुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफ़ी सारी लैंग्वेजेज़ में पहले भी देखने को मिली थी मीन्स हिंदी कन्नड़ा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम कनाडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हां द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहां पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकंड पार्ट को भी रिलीज करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को परि माथू आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ राय रविशंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नजर आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हाँ एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ, जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सकें सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फ़हद फ़ासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ से और ना ही आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए कि उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी होगी और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु ज़ुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफ़ी सारी लैंग्वेज में पहले भी देखने को मिली थी मीनस हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलेगी ना सिर्फ़ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम कनाडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हां द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहां पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकंड पार्ट को भी रिलीज करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को परिमाथु आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये यह सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्शन शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ राय रविशंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमेटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नजर आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हां एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सके, सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ से और ना ही आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए कि उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी होगी और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु ज़ुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफ़ी सारी लैंग्वेजेज़ में पहले भी देखने को मिली थी मीन्स हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम कनाडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हाँ द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहां पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकंड पार्ट को भी रिलीज करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को परि माथू आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये यह सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्ट क्शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ राय रविशंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमेटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हाँ एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा 2 के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सके, सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या और आई एम डी बी रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ़ से और ना ही आई रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात कर लें कि इस की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात कर लें कि इस की यहां पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी होगी और ये हमें कहां पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु जुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफी सारी लैंग्वेजेज में पहले भी देखने को मिली थी मीन हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम मल्या, कन्नडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हाँ द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहाँ पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकेंड पार्ट को भी रिलीज़ करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को माथू आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ रवि शंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर और बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हाँ एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सके, सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ से और ना ही आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है एंड ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी और ये हमें कहां पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु जुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफी सारी लैंग्वेजेज में पहले भी देखने को मिली थी मीन हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम मल्या, कन्नडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हाँ द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहाँ पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकेंड पार्ट को भी रिलीज़ करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को परि माथु आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इंजॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्ट की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ राय रविशंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमेटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हां एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सकें सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फ़ासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ़ से और ना ही आई रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए कि उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी होगी और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु ज़ुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफ़ी सारी लैंग्वेज़ में पहले भी देखने को मिली थी मीन्स हिंदी कन्नड़ा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम कनाडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हां द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहां पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकंड पार्ट को भी रिलीज करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को परी परिमाथु आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ राय रविशंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हाँ एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ, जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सकें सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फ़हद फ़ासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ से और ना ही आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है एंड यह देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्योेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी होगी और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु ज़ुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफ़ी सारी लैंग्वेजेज़ में पहले भी देखने को मिली थी मीन्स हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेज़ में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलेगी ना सिर्फ़ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम कनाडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हाँ द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहां पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकंड पार्ट को भी रिलीज करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना परी माथू आई एम द डैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्ट शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ राय रविशंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमेटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हां एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सके, सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक like आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फ़ासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ से और ना ही आई रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफी अच्छे तरीके से पर 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 ये सब कुछ प्रेजेंट कर कर रहे हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की की जो है वो सारी की सारी टाइम डोरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें और बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी होगी और ये हमें कहां पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु जुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफी सारी लैंग्वेज में पहले भी देखने को मिली थी मीन हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेज में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम मल्या, कन्नडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हाँ द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहाँ पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकंड पार्ट को भी रिलीज़ करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को परी माथू आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये यह सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्ट क्शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ राय रविशंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमेटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की जुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हाँ एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सके, सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फ़ासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ से और ना ही आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है एंड ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये टाइम डोरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेन होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहां पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी होगी और ये हमें कहां पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु जुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफी सारी लैंग्वेजेज में पहले भी देखने को मिली थी मीन हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेज में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम मल्या, कन्नडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हाँ द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहाँ पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकेंड पार्ट को भी रिलीज़ करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को परि माथू आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ रवि शंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने वाला पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हाँ एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ की जाएगी हाँ जब ये रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सके, सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ से और ना ही आईएमडीबी रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी होगी या बस एवरेज ही और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम ड्यूरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी और ये हमें कहां पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु जुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफी सारी लैंग्वेजेज में पहले भी देखने को मिली थी मीन हिंदी कन्नडा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेज में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम कन्नडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हाँ द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहाँ पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकेंड पार्ट को भी रिलीज़ करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज़ को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक पुष्पा पुष्पा दा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को परि माथू आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इंजॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स तो वाई तो तो मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्ट की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ राय रविशंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मिरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमेटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ और बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा होने पुष्पा झुकेगा नहीं साला ये एक ऐसा डायलॉग है जो कि बच्चे बच्चे की जुबान पर मैंने सुन रखा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ ये ऐसा ही एक और डायलॉग शेयर करूंगा जी हां एक उसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो कि हमें इसी साल में देखने को मिलेगा जी हाँ ये कंफर्म कर दिया गया है कि 15 अगस्त 2024 में इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली पुष्पा टू के बारे में ही बनाई गई है कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज की जाएगी हाँ जब ये रिलीज की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख सके, सकेंगे क्योंकि ये आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे आप लोग बार बार जो है वो इसी बारे में ही पूछ रहे थे कि यार हमें इसके बारे में कंफर्म कर दिया जाए कि ये जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इन्हीं के सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने जा रहा हूँ कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई है कहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी जब रिलीज़ की जाएगी तो हम इसे कहाँ पर देख पाएंगे स्पेशली ये यूट्यूब पर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर पुष्पा टू द रोल के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग के ऊपर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को बहुत सारे वैसे तो अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर अल्लू अर्जुन फहद फ़ासिल और रश्मिका मंदना जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना अपना किरदार काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आई रेटिंग क्या होगी और इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया जाएगा तो इस मूवी की अगर हम बात करें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो गूगल के यूज़र्स की जानब से अभी तक परसेंटेज स्टार्ट की गई है या नहीं और आई रेटिंग की जानब से स्टार्ट की गई है या नहीं तो जी नहीं इस मूवी की जो परसेंटेज है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई जी हाँ क्योंकि अभी इसे रिलीज़ ही नहीं किया गया तो जब इस मूवी को रिलीज़ किया जाएगा तो आप लोगों के साथ इसकी जो है वो परसेंटेज भी शेयर कर दी जाएगी बट अभी तक इस मूवी की ना ही परसेंटेज शेयर की गई है एंड ना ही इस मूवी की जो है वो आप लोगों को कोई भी गूगल के यूजर्स की तरफ़ से और ना ही आई रेटिंग की तरफ से कोई भी परसेंटेज अभी देखने को नहीं मिल रही बट उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें कि इस मूवी का हमें जेनर क्या देखने को मिलेगा क्योंकि जेनर तो पहले ही क्लियर कर दिया जाता है तो हाँ यहाँ पर मैं आप लोगों को जेनर का बता देता हूँ तो इस मूवी के जेनर में आप लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा एक्शन देखने को मिलेगा ड्रामा देखने को मिलेगा एंड थ्रिल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया जा रहा है ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप लोगों को जब भी इसे रिलीज किया जाए तो आप लोगों को एक चांस देना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो सारी की सारी यहाँ पर टाइम डोरेशन कितनी होगी क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी होगी या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी जाएगी तो इस मूवी की जो टाइम डोरेशन है वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी होगी दो से ढाई घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम डोरेशन होगी जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम डोरेशन तो डेफिनेटली होनी चाहिए कि उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात कर लें कि इस मूवी की यहाँ पर जो है वो लैंग्वेज कौन सी होगी और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलेगी तो ये एक तेलुगु ज़ुबान की मूवी होगी अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि ये मूवी आप लोगों को काफ़ी सारी लैंग्वेज़ में पहले भी देखने को मिली थी मीन्स हिंदी कन्नड़ा मलयालम तेलुगु और भी बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में ये आप लोगों को देखने को मिली थी बट अभी भी ये आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में देखने को मिलेगी ना सिर्फ तेलुगु में बल्कि हिंदी मलयालम कनाडा लैंग्वेज और आप लोगों को बहुत सारी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े बात करेंगे इस मूवी की डायरेक्शन को कौन संभालने वाला है तो वही जिन्होंने इसके फर्स्ट पार्ट की डायरेक्शन को भी हैंडल किया था जी हां द वन एंड ओनली सुकुमार सर उन्होंने ही यहां पर हमें पहले भी पुष्पा का पार्ट दिया था एंड अभी भी वही पुष्पा के सेकंड पार्ट को भी रिलीज करेंगे डायरेक्ट करेंगे एंड काफी अच्छे तरीके से इन्होंने पहले भी बहुत सारी मूवीज को डायरेक्ट किया है जस्ट लाइक like पुष्पा पुष्पादा रूल उसी के साथ रंगस्थलम नन्ना को माथू आई एम दैट चेंज नंबर वन हंड्रेड परसेंट लव आर्या आर्या टू और भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि उन्होंने डायरेक्ट की हैं एंड आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो हाँ ये मूवी काफ़ी अच्छी होगी मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी को लेकर क्योंकि इस मूवी में आप लोगों को एक डिफरेंट लेवल का जो है वो थ्रिल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है आप लोग देखेंगे तो होपफुली आप लोग इसे इन्जॉय ही करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सारा कुछ हमें देखने को मिलता है तो दैट्स वाई मैं बोलूँगा कि हाँ भाई ये काफ़ी अच्छा होने वाला है आप लोग एक चांस तो यार दे ही सकते हैं काफ़ी अच्छी मूवी होगी जिसकी डायरेक्शन की तो बात कर ली है हमने बट अगर हम बात करें स्टोरी लाइन की तो वो भी सुकुमार ही संभालेंगे प्रोड्यूसर में आप लोगों को नवीन यरनेनी और उसी के साथ राय रविशंकर देखने को मिलेंगे और उसी के साथ हम आगे बढ़ें बात करें सिनेमेटोग्राफी की तो यहाँ पर मेरोसला कुबा बेरोजिक आप लोगों को सिनेमाटोग्राफी को हैंडल करते हुए नज़र आएंगे एडिटिंग में कार्तिक का श्रीनिवास और रोबिन देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपना काम बहुत बखूबी दिखाया है ये टीज़र से हमें वाजे तौर पर नज़र आ रहा है म्यूज़िक डायरेक्शन की बात करें तो देवी श्री प्रसाद ने यहाँ पर बीजीएम दिया है जो कि बहुत अच्छा हो वाला है।